डॉक्टर से कैप्टन बनने वाली लक्ष्मी सहगल की आज पुण्यतिथि है। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में कैप्टन थी डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल का जन्म 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास में हुआ। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने गरीबों की सेवा के लिए चिकित्सा के पेशे को चुना। 1940 में सिंगापुर में गरीब भारतीय मजदूरों के लिए चिकित्सा शिविर लगाया। सिंगापुर लक्ष्मी सहगल की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता संघ की सक्रिय सदस्य बनी। 1943 में सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र के विचारों से प्रभावित हुई। करीब एक घंटे की मुलाकात के बीच आजादी की लड़ाई में उतरने की इच्छा जताई। नेताजी ने लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाई। 22 अक्टूबर 1943 में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट में कैप्टन बनी। उस समय में 500 महिलाओं की एक फौज तैयार की लक्ष्मी सहगल ने। साहस और अद्भुत कार्य के कारण बाद में कर्नल का पद भी मिला। कैप्टन लक्ष्मी अस्थाई आजाद हिंद सरकार की कैबिनेट में पहली महिला सदस्य बनी। 23 जुलाई 2012 को कानपुर में कैप्टन लक्ष्मी सहगल का निधन हुआ।